खबर ये आ रही है इस युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन को रूस का अल्टीमेटम, मारियुपोल में सरेंडर करे यूक्रेनी सेना। मारियुपोल में सरेंडर करने को कहा गया। देखिए एक बात और जान लीजिए, मारियुपोल वो जगह जहां पर रूसी सेना अब लगातार ये कह रही है कि अब यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर कर लेना चाहिए, क्योंकि रूस की सेना ये दावा कर रही है कि वहां पर अब चारों तरफ से रूसी सैनिकों ने मारियुपोल को घेर लिया है, और अगर कुछ विकल्प बचता है यूक्रेन के पास, वहां के सैनिकों के पास, तो वो सिर्फ सरेंडर है। और इधर यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, और रूस का तो दावा है कि 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान गिराए भी गए हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने रूस के 169 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। रूस की सेना ने 2326 यूक्रेनी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने 802 रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के 483 ड्रोन गिराने का दावा किया है, तो यूक्रेन ने 158 ड्रोन गिराने की बात कही है। यूक्रेन ने लगातार जो दावे किए हैं उस पर रूस एक और दावा करता है, वो ये कि 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसने ध्वस्त किए हैं। ये दावा रूस की तरफ से हुआ। वहीं यूक्रेन की तरफ से रूस के लिए ये दावा किया गया कि 67 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसने ध्वस्त किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 254 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह करने की भी बात कही है, तो यूक्रेन ने 132 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह करने की बात कही। वहीं रूस ने यूक्रेन के 2184 सैन्य वाहन तबाह करने का दावा किया है, तो यूक्रेन ने 263 सैन्य वाहन तबाह करने की बात कही है। तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस यूक्रेन जंग पर है, और ऐसे में लगातार इस मौके की तलाश की जा रही है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। साथ ही एक और इंफॉर्मेशन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समंदर में अपना खेल खेलने का मौका इस दरमियान मिल गया है। इधर पुतिन ने बाइडेन को उलझा रखा है, उधर चीन ने मौका देखकर अमेरिका की गर्दन दबोचने का प्लान बनाया हुआ है। ऑपरेशन ताइवान को हरी झंडी दिखा दी गई है। खबर तो यहां तक आ रही है कि चीन ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है, यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, बस युद्ध का ट्रिगर दबना बाकी है। चीन का दावा है कि वो सिर्फ 99 मिनट में ताइवान जीत लेगा। क्या है 99 मिनट वाला शी का वॉर प्लान, इस रिपोर्ट पे देखिए। महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है, वो यूक्रेन युद्ध से भी भयानक जंग होगी। युद्ध का अखाड़ा तैयार हो गया है। शी की सेना युद्ध के लिए रेडी है। चीन करेगा ताइवान पर हमला। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई है। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन से 5000 किलोमीटर दूर चीन में नई युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसका एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर मौजूद ताइवान। ये चीनी सेना के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं। युद्ध की इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि चीन की सेना पीएलए इस युद्ध अभ्यास को खास कर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दे रही है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक इसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से इस खास मिशन की तैयारी कर रही है। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 1। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 2। ताइवान हमले की तैयारी,
वीडियो नंबर 3। ताइवान हमले की तैयारी वीडियो नंबर 4। ताइवान हमले की तैयारी वीडियो नंबर 5। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देख शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही वक्त आ गया है।